खबरें वही जो दिखे। कोरोना की महामारी के संकट के दरमियान डोंगरी पुलिस स्टेशन ने अपना जो बेसिक पुलिसिंग का काम है वो बहुत अच्छी तरह से निभाया, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए आज हाजिर हूँ। डोंगरी पुलिस स्टेशन को 15 सितंबर 2020 को इन्फॉर्मेशन दी कि उनका एक जेल रोड के ऊपर अल अमीर बिल्डिंग है, उसमें 14th फ्लोर पर फ्लैट है, वहाँ पर कारपेंटरी का काम चल रहा था, वहाँ पर उसके घर फ्लैट के सामने एक आदमी जख्मी स्थिति में पड़ा हुआ है। इमीडिएटली हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे तो पता देखा कि एक आदमी सचमुच में ऑलमोस्ट डेथ था। उसका सर के ऊपर किसी ने ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा था, उसका ब्रेन का कुछ पार्ट भी बाहर आया हुआ था और उसका मर्डर हो गया था। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू की, कारपेंटरी का काम दिया था वो, बबलू कॉन्ट्रैक्टर करके था, उसके साथ में ये आदमी काम करता था। तहकीकात में हमें पता चला कि उसका जो डेथ जिसकी डेथ हो गई थी, जिसका मर्डर हो गया था, उसका नाम मुकेश गुप्ता करके है और बबलू कॉन्ट्रैक्टर करके आदमी ने उसको वहाँ पे काम पे रखा था। तो ये दोनों, उसके साथी बबलू और उसका एक साथी, दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ थे, दोनों वहाँ से भागे हुए थे। तो नेचुरली हमारा डाउट उनके ऊपर हुआ। हमारे सोर्सेस एक्टिवेट किए गए तो पता चला कि वो यूपी की तरफ भागा हुआ है। हमारे DCP श्री संग्राम सिंह निशानदार और एडिशनल CP सत्यनारायण चौधरी साहब ने इमिडिएटली हमारी टीम को यूपी में रवाना किया। API श्री प्रकाश लिंगे और PSI श्री स्नेहल सिंह खुड़े, इनके साथ में स्टाफ देके ये यूपी रवाना हो गए। यूपी में आरोपी का जो गांव था मीरगंज करके, वो मीरगंज गांव नेपाल बॉर्डर, सुनोले करके नेपाल बॉर्डर है, वहाँ से काफ़ी नज़दीक, तो हमें डर था कि वो नेपाल में भाग ना जाए। और वैसे ही हुआ, जैसे ही मुंबई पुलिस वहाँ पे पहुँच गई उसे पता चला कि मुंबई पुलिस आ रही है, वो नेपाल भाग गया था। लेकिन हमारे ऑफिसर्स ने वहाँ पे डटे रहे और उन्होंने अच्छा स्किल का इस्तेमाल किया और उस आरोपी को वापस आने के लिए कंपेल किया। लेकिन उसे पता था कि पुलिस अपने गांव तक पहुंचे, इसलिए रूटीन रास्ते से ना आते, जंगल के रास्ते से वो आया। उसके पास के पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उसने किसी को कॉन्टेक्ट किया पैसे के लिए। वहां से हमको इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर जंगल में पीछा करके उस आरोपी को धर दबोचा। इंटरोगेशन में पता चला कि उसका नाम बबलू बद्रे यादव है, 29 साल का है और वो मीरगंज गाँव का रहने वाला है। 2006 में बम्बई में आया था और यहाँ पे वो कारपेंटरी का काम कर रहा था। कारपेंटरी के कुछ पैसे मिल गए थे जिसमें वो बांटने में उन तीनों में झगड़ा हो गया, इसलिए बबलू ने उसके साथी के साथ मिलके मुकेश गुप्ता का मर्डर कर दिया था। तो उसको अभी हम आज ही बम्बई लाए हैं, उसको आज कोर्ट में पीड़ित। खबर है वही जो दिखे।